बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान सोमवार की देर रात को बड़ा हादसा हो गया। टनल की खुदाई के दौरान, मिट्टी निकालने के दौरान लोगों का ब्रेक फेल हो गया। घटना में कई मजदूरों की दबने की खबर है। साथ ही मजदूरों की माने तो फिलहाल 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 मजदूरों का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि मृतकों की पहचान हेल्पर मनोज, विजय और श्याम बाबू के रूप में हुई है। तीनों ओडिशा के रहने वाले हैं। एक लोको पायलट था जबकि दूसरा TBM ऑपरेटर था। पटना मेट्रो की PRO मोनिशा दुबे का कहना है कि लोको का ब्रेक फेल होने के कारण घटना हुई। टनल खुदाई में काम कर रहे मजदूरों ने लोकल 18 को घटना की सारी जानकारी दी। मजदूर मनोज कुमार ने बताया कि TBM मशीन महावीर से मेट्रो की खुदाई हो रही है। इस दौरान गीली मिट्टी निकालने के लिए एक लोको होता है जिसकी मदद से मिट्टी को बाहर निकाला जाता है। इसमें टर्नल का काम चल रहा था, उसमें लोको पायलट से 3 आदमी का मौत हो चुका है, उसमें 10 घायल भी हैं। उस सब लोग को ले गया PMCS हॉस्पिटल में है और अभी 2 अभी चप्पे हुए हैं अंदर, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। कैसे क्या काम चल रहा था? टर्नल का माटी वाला काम होता है सर। अंदर में टनल जो है ना, वो मशीन बहुत बड़ा सा मशीन है जो खुदाई कर रहा है, ओकर काम चल रहा है अंदर में। तो वो जो गीला मिट्टी निकालता है ना, उसी को लाने के लिए एक लोको है। लोको से गीला मिट्टी लेके आते हैं बाहर, फिर वो मिट्टी ऊपर आते हैं, वो मिट्टी बाहर उसी पे मजदूर बैठे हुए, उसी पे मजदूर आगे जहाँ टनल जो है चल रहा है वहाँ मजदूर काम कर रहे थे। ये इधर से गया, ब्रेक फेल हो गया, चाप दिया मजदूर को। हाँ, तो उसमें 3 मजदूर तो ख़त्म हो गए हैं, 3-4 घवाहिल है जो हॉस्पिटल में है। आप देखिए आगे क्या हो रहा है। क्या नाम आपका? हाँ, मनोज कुमार नाम है। और काम करते हैं? हाँ, यहाँ पे हम हाईवा चलाते हैं। अच्छा, इसी के अंदर जो मिट्टी हम ले जाते हैं बाहर, यहाँ से लोग। अशोक राजपथ पर सतह से 60 फीट नीचे मेट्रो टनल के निर्माण का कार्य चल रहा है। सोमवार की देर रात NIT मोड़ के पास की घटना है। कई मजदूर इस निर्माण कार्य में लगे हुए थे। नीचे में टनल का काम चल रहा है साइट में, और एक डेथ है, कैजुअल्टी है, और 2 इंजर्ड हैं। मिट्टी वो होने से खिसकने से एक की डेथ हुई है। बोलिए, कितने बजे घटना में? भाई टाइम हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आपके साथ ही हम लोग भी पहुंचे हैं। अंदर में जो लेबर हैं काम कर रहे हैं, बाकी लोग हैं वहाँ पे, तो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर जैसे होगा कल हम ऑफिशियली पूरी छानबीन करके, अभी हमारा प्रायोरिटी है कि जो लेबर अंदर हैं, जो इंजर्ड हैं बाहर, जो उनको निकाल के हॉस्पिटल ले गए हैं, उनको पहले, आप लोग में से अभी हैं कि ब्लड का वो कर रहे हैं, तो पहले हम लोग वो सब देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा पहले हो जाए, फिर प्रेस को हम सारी बात बताएंगे, है ना। जो मोटा मोटी है वो अभी पिछले 1 घंटे से मैं आप लोग को बता रही हूँ कि एक कैजुअल्टी है, 2 इंजर्ड हैं, उनका इलाज चल रहा है, ठीक है। जहाँ तक हम लोगों को पूरा न्यूज़ निकल कर आ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन अभी मिल रही है, उसके हिसाब से 2 कैजुअल्टीज़ हुई हैं एट द साइट, एक है, और हॉस्पिटल कैजुअल्टी एक है। जानकारी इसके बारे में जो भी जांच आई होगी DMRC के द्वारा, जो भी PMRC के द्वारा एक जांच करवाई जाएगी, तो क्लियर निकल कर आएगा कि क्या क्या रीज़न रहा है, किस तरह से क्या हुआ है इवेंट, तो उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा इस चीज़ का। जब ये हादसा हुआ तो एग्जैक्ट काउंट तो वो अराउंड साइड शिफ्ट चेंज का टाइम था, तो एग्जैक्ट आकलन आ नहीं पा रहा, वो काउंट वो लोग देख कर बता देंगे। ये आंकड़ा और भी बढ़ेंगे? अभी नहीं, हम लोग होप करेंगे कि ना बढ़े, क्योंकि सभी अभी हॉस्पिटल में हैं, उनकी चल रहा है ट्रीटमेंट, तो वी आर होपिंग कि कुछ आंकड़ा ना बढ़े कैजुअल्टीज़ का। टोटल अभी 7 लोग भर्ती हैं हॉस्पिटल में, एक कैजुअल्टी हो रखा है, तो मतलब 6 आर अंडर गोइंग ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल। अब जो ऑडिट टीम आएगी, अगर जो भी होगा, जो DMRC और PMRC ये सब करेंगे अपना इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद वो क्लियरली पता चलेगा क्या क्या रीज़न था। आपको बता दें कि मोइनुल हक स्टेडियम से पटना विश्वविद्यालय तक करीब 1.5 किलोमीटर टनल निर्माण कार्य पूरा हो गया है। पूरा होने के बाद 11 जून से पटना विश्वविद्यालय से गांधी मैदान के लिए टनल का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। इसी निर्माण कार्य के दौरान ये हादसा हुआ। पटना से लोकल 18 के लिए
सच्चिदानंद की रिपोर्ट।